बड़ा साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दिया जा रहा है और ये बेहतर एक चीज़ है, होना चाहिए। इस लेवल प्लेइंग फील्ड में इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं और जो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी यकीनी तौर पर मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इमरान खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड कितना मिलेगा, आप क्या देख रहे हैं उनका फ्यूचर? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है इसमें गिव एंड टेक होता है। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है वापस असम्बली में जाना चाहिए ताकि इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्शन की डेट जो है वो तय हो सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो वापस असम्बलियों में चले जाएं। और अपने इसके लिए उन्होंने अभी बात भी किया, कहा है, एक शर्त रखी है। मेरा ख्याल है वो शर्त भी कोई इतनी बड़ी नहीं है कि उस शर्त को पूरा ना किया जा सके। साइफर के इन्वेस्टिगेशंस वो चाहते हैं, तो साइफर के इन्वेस्टिगेशंस तो अब खुद ब खुद एक्सपोजे हो रहा है और ये पता चल रहा है कि ये तो कोई इतनी बड़ी सीरियस बात नहीं थी। तो दूसरी बात यह है कि इलेक्शन डेट पे कंसेंसस हो जाए, वो डेफिनेटली हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब बात इतनी रह गई है कि जो PDM है वो चाहती है सितंबर में इलेक्शन, और इमरान खान चाहते हैं जनवरी फरवरी में इलेक्शन। तो जनवरी फरवरी और सितंबर में दरमियान में अगर लाया जाए कोई अप्रैल मई जून, तो मेरा ख्याल है इस पर कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो यही बेहतर है कि कंप्रोमाइज हो जाए, दोनों का इत्तेफाक राय हो जाए और इसके ऊपर इलेक्शन हो जाए।